द एरिया विल रियली इम्प्रूव एंड डेवलप लाइक एनीथिंग. स्पेस का यहाँ पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है. 13x7 का ये आपको ह्यूज बालकनी मिलता है. ऑल द बेस्ट ब्रांड टॉप ब्रांड्स आर बीइंग यूज्ड बाय दिस बिल्डर. स्पेस जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना वाइड है आपको क्लियर कैमरे में दिख रहा होगा. आप पूरा 180 का व्यू का मजा ले सकते हैं. कॉस्ट भी काफी इंप्रेसिव है. तो आज मैं मुंडवा में हूँ और होराइजन हाई ग्रुप्स करके एक प्रोजेक्ट है आपके सामने है. ये प्रोजेक्ट जिसका मैं आपको डिटेल्स देने वाला हूँ और इसका सैम्पल फ्लैट भी आपको एक्सप्लेन करूंगा. बट सबसे पहले मैं आपको इसका लोकेशन बता देता हूँ. सो ये जो रोड है ये कोरेगांव पार्क से स्ट्रेट अंदर की तरफ आती है. सो बेसिकली यहाँ आने के बाद इफ यू टेक अ राइट टर्न आप बीटी कवड़े चले जाओगे. देन देयर इज अ वी जंक्शन. वी जंक्शन में एक रास्ता मगरपट्टा के लिए जाता है और एक रास्ता अंदर की तरफ आता है. एंड इफ यू टेक हार्ड लेफ्ट तो आप जो है मुंडवा से होते हुए खराड़ी या मगरपट्टा की तरफ अगेन चले जाएंगे. सो आपको स्ट्रेट आना है. रोड आप देख लीजिए काफी वाइड है. इसके पीछे पंचशील का आईटी पार्क भी आने वाला है और यहाँ पे और दो तीन प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं. सो द एरिया विल रियली इम्प्रूव एंड डेवलप लाइक एनीथिंग. अब इसकी मैं बात करूँ तो जैसा अगर आप काम देख रहे हैं सो काम इनका ऑलमोस्ट काफी स्पीड से हुआ है इन अंडर 10 मंथ्स. दे हैव कंस्ट्रक्टेड दिस मच क्योंकि बिल्डर काफी अच्छा है. तो कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. सैम्पल फ्लैट में मैं सारे फिटिंग स्पेसिफिकेशंस आपको दिखाऊंगा. वीडियो एंड तक देखिए, डिफरेंसेस भी बताने वाला हूँ. उसके अलावा इस प्रोजेक्ट के थोड़े से हाईलाइट आपको दे देता हूँ. 1.25 एकर का ये प्रोजेक्ट है विथ बेसमेंट प्लस 15 फ्लोर का ये टावर रहने वाला है जिसमें 13 फ्लोर रेसिडेंशियल रहेंगे और नीचे की तरफ में आपके शॉप्स रहने वाले हैं. सो बेसमेंट के बाद फर्स्ट लेवल आपका पार्किंग रहेगा, उसके बाद आपकी एमिनिटी का स्पेस रहेगा, देन अगेन पार्किंग एंड देन 13 फ्लोर ऑफ रेसिडेंशियल टावर. सो टॉप फ्लोर वाला 15 फ्लोर है और टेक्निकली जो फर्स्ट फ्लोर वाला है वो थर्ड फ्लोर से का व्यू ले पाएगा. एमिनिटीज की बात करूँ तो सारी जरूरत की एमिनिटीज यहाँ पे, जैसे स्विमिंग पूल हो गया, क्रेश हो गया, डे केयर हो गया, को वर्किंग स्पेस हो गया, जॉगिंग, ट्रैकिंग, जिम, क्लब हाउस, एवरीथिंग इज देयर. सो एमिनिटीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है. और इसमें 3, 4 and 5 BHK के ऑप्शन अवेलेबल हैं. 3 BHK 1100-1120 कारपेट, 1054 का एक स्मॉल वेरिएंट भी है, 4 BHK अप्रॉक्स 1700 कारपेट एंड देन 5 BHK जो सबसे बड़ा वेरिएशन इधर अवेलेबल रहेगा. अब लोकेशन प्रोजेक्ट को समझने के बाद हम इसके सैम्पल फ्लैट को देखेंगे और समझेंगे और एक ओपिनियन पे आएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इसका सैम्पल फ्लैट. सो अब मैं आपको 1104 कारपेट का 3 BHK का सैम्पल फ्लैट दिखाऊंगा और यही 1104 कारपेट दिखाते हुए मैं आपको 1120 कारपेट और 1054 कारपेट जो कि इनका सबसे स्मॉलेस्ट वेरिएंट है उसको मैं इसी फ्लैट में एक्सप्लेन करूंगा. तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको सारे डिफरेंसेस समझ में आ जाए. सबसे पहले ये आपकी एंटायर लॉबी स्पेस है. तो जैसा आप देख रहे हैं ये आपका इनफ साइज का लॉबी स्पेस है और इन्होंने यहाँ पे डेकोरेशन करके रखा हुआ है. आप चाहो तो यहाँ पे शू रैक रख सकते हो और डेकोरेशन ऊपर के लिए ऐसे ही रख सकते हो. एंड ये 1104 का कारपेट है इसलिए लॉबी स्पेस आपकी इतनी ही है. अगर यही 1120 का कारपेट होता तो आपका लॉबी स्पेस यहाँ तक होता, यानी यहाँ से लेकर के वहाँ तक आपका लॉबी स्पेस होता. और सिर्फ यही डिफरेंस है 1104 और 1120 कारपेट में. बाकी पूरा फ्लैट एज इट इज़ रहने वाला है. तो चलिए अंदर चलते हैं. आपका डोर सेम ऐसा ही रहने वाला है एंड यहाँ पे आपको ऑट्रो ब्रांड का डोर लॉकिंग सिस्टम, डिजिटल डोर लॉकिंग सिस्टम मिलता है जो की कार्ड, बायोमेट्रिक्स और नंबर से अनलॉक लॉक हो सकता है. अंदर की तरफ आएंगे और 17.5x11.5 का आपका लिविंग और डाइनिंग स्पेस. बाइफरकेशन काफ़ी क्लियर आपको दिख रहा होगा. वन साइड में आपका डाइनिंग स्पेस आ गया, वन साइड में आपका पूरा लिविंग स्पेस आ जाता है. स्पेस का यहाँ पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने डिफरेंस दिखा के रखा हुआ है. एंड जैसा आप देखेंगे कि जो व्यूइंग एंगल है फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड, मतलब यहाँ से टीवी का, वो भी काफ़ी अच्छा है. तो स्पेस काफ़ी अच्छा है, वाइड स्पेस है. लिविंग डाइनिंग के बाद यहाँ पर मैं आपको इसका वन ऑफ द मेजर USP दिखाना चाहूँगा. दैट इज़ 13x7 का ये आपको ह्यूज बालकनी मिलता है. ये ऐसे ही कवर्ड रहने वाला है. आपको वुडन टेक्सचर टाइल्स मिलेगी,
ऊपर में जो आपका वुडन फिनिश है वो एज इट इज़ रहने वाला है, और ये बबली टेक्सचर जो आपको वॉल्स में दिख रहा है ये भी आपका सेम रहने वाला है। जस्ट इमेजिन दिस काइंड ऑफ बालकनी आजकल बहुत मुश्किल से मिलती है, इतने बड़ी साइज़ की बालकनी वो आपको यहाँ इस प्रोजेक्ट में प्रोवाइड की जा रही है। तो यहाँ पे आपका UPVC का स्लाइडिंग डोर आ जाता है विथ मॉस्किटो मैश, सो वेंटिलेशन का बिल्कुल इशू नहीं रहने वाला है। अब मैं आपको इसका किचन दिखाऊंगा, तो इतनी वाइड ओपनिंग है किचन की, आप चाहो तो उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं पोजीशन मिलने के बाद। किचन को आप यहाँ तक कवर कर सकते हैं या इसको हाफ रख सकते हैं, अपने अपने हिसाब से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, बट द बेसिक आइडिया इज़ दैट कि आपको काफ़ी स्पेशियस साइजेस मिल रहे हैं। 14x9 का ये आपका किचन का एरिया है, यहाँ से वहाँ तक पूरा 14 फीट का है और उधर से इधर पूरा 9 फीट का है। ओपन होने की वजह से ये और स्पेशियस लगता है, एंड अलोंग विद इनक्लोज ड्राई बालकनी। तो जैसा आप देख रहे हैं, इन्होंने वॉशिंग मशीन के लिए प्लग पॉइंट्स, इनलेट आउटलेट पूरा दे के रखा हुआ है, और इस तरफ में वॉशिंग मशीन इस तरफ रखी है, बट यहाँ पे आप डिश वॉशर भी रख सकते हैं। ऊपर का जो एरिया है आप इसको इनक्लोज करके, यानी कि ऐसे कैबिनेट्स लगा करके आप इसको पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं। सो यूटिलिटी वाइज काफ़ी स्पेशियस, काफ़ी अच्छा किचन का साइज है। प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो क्वार्ट्ज़ का प्लेटफॉर्म है, सिंक की बात करूँ तो अगेन क्वार्ट्ज़ का सिंक है अलॉन्ग विथ ग्रोहे फिटिंग्स। कैबिनेट्स, चिमनी, हॉब एंड योर ट्रॉलीज, माइक्रोवेव, सारे मॉडर्न रेफ्रिजरेटर, सारे मॉडर्न अप्लायंसेस होने के बाद आपका किचन कितना अच्छा हो सकता है वो बिल्डर ने काफ़ी अच्छे से डेमोंस्ट्रेट किया है। ये सिर्फ डेमो के लिए है, फ्लैट तो आपको रॉ मिलना है, किचन तो आपको रॉ मिलना है। अंदर की तरफ चलेंगे, और उसके पहले मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि जो इनकी टाइल्स है, दिस इज़ मैट फिनिश मार्बल टाइल्स। सो जो आप टाइल्स देख रहे हैं इससे घर की ब्यूटी बहुत एनहेंस हो जाएगी, काफ़ी खूबसूरत टाइल्स है, और ये आपको सेम या सिमिलर इस घर में मिलने वाला है। अब हम इसके इन्हें बेडरूम को समझेंगे। सो मेरे पीछे मास्टर बेडरूम है, और इस तरफ में इसका बाकी दोनों बेडरूम है। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट बेडरूम को समझेंगे। उससे पहले बेडरूम में जाने के लिए जो पैसेज है वो बिल्कुल भी इन्होंने, मतलब पैसेज में बिल्कुल भी स्पेस वेस्ट नहीं किया हुआ है। तो जैसा आप देखेंगे, बस आप यहाँ आओ और आपके तीनों रूम एक्सेसिबल हो जाते हैं। इस तरफ में इसका कॉमन वॉशरूम है, और यहाँ पे इन्होंने वॉश बेसिन दे के रखा है, और ये इस तरफ में आपका कॉमन वॉशरूम आ जाता है। कॉमन वॉशरूम की अगर मैं बात करूँ तो टाइल्स आपका सेम या सिमिलर रहने वाला है। हर बाथरूम में डिफरेंट टाइल्स यूज़ की है, जब आपको घर बन के मिलेगा, फिनिश होके मिलेगा, तो उसमें भी आपको टाइल्स अलग अलग ही मिलेंगे। सो 7 फीट हाइट तक आपका ये टाइल्स रहने वाला है, अलोंग विद प्रोविजन फॉर गीजर, एंटी स्किड टाइल्स आपको बाथरूम में मिल जाती है, और CP फिटिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो ग्रोहे, एंड सैनिटरी फिटिंग की बात करूँ तो टोटो, ऑल द बेस्ट ब्रांड, टॉप ब्रांड्स आर बीइंग यूज्ड बाय दिस बिल्डर। डोर फ्रेम आपका एज इट इज रहने वाला है, अंदर से ग्रेनाइट का और बाहर से वुडन फ्रेमिंग। अब इस तरफ में इसके दोनों बेडरूम हैं और वहाँ मास्टर बेडरूम है। सबसे पहले हम इसके कॉमन बेडरूम को देखते हैं, या किड्स बेडरूम देखते हैं। ट्वेल्व बाई टेन का ये आपका फर्स्ट बेडरूम, 12x10 का ये बेडरूम तो है ही, उसके अलावा ये वार्डरोब स्पेस सेपरेट मिल रहा है 1 फीट का। यूजली वार्डरोब जो है 2 फीट ले लेता है, सो अगर ये स्पेस नहीं होता तो आपका ये रूम 12x10 की जगह 10x10 का हो जाता, क्योंकि 2 फीट का स्पेस तो वार्डरोब ही ले रहा है, बट यहाँ पे क्योंकि इन्होंने 1 फीट का सेपरेट स्पेस दे के रखा है, तो आप यू सेव दिस काइंड ऑफ स्पेस। एंड उसके बाद भी आप स्पेस देखिए, काफ़ी अच्छा है, बेड अच्छे साइज का है, फिर भी वहाँ पे स्टडी टेबल लगाने के बाद, दोनों साइड में फर्नीचर लगाने के बाद भी स्पेस काफ़ी अच्छा है। विंडो आपको फुल लेंथ मिल रहा है, तो इससे आपको सनलाइट और वेंटिलेशन का बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं रहेगा, एंड दिस कम्स विद मॉस्किटो मैशेस। अब इसके सेकंड बेडरूम को देख लेते हैं। सेकंड बेडरूम 12x12 फीट का है, एंड ये 12x12 फीट में अगेन 1 फीट का डेप्थ ऑफ वार्डरोब स्पेस, यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि 1 फीट का वार्डरोब स्पेस है जो यहाँ पे इन्होंने दिया है, जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है वीडियो में। सो बेसिकली आप 12x12 को पूरा यूटिलाइज कर पा रहे हैं, क्योंकि कबर्ड का स्पेस सेपरेट हो जा रहा है। उसके बाद थोड़ा सा यूनिक फीचर है, सो इन्होंने एक, आप जैसा विंडो देख पा रहे हैं,
जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, विंडो देख पा रहे हैं, एल शेप का विंडो है, तो आपका क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा हो जाता है इसकी वजह से। एंड स्पेस जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना वाइड है, आपको क्लियर कैमरे में दिख रहा होगा। वार्डरोब होने के बाद, बेड होने के बाद, फर्नीचर होने के बाद, एक्स्ट्रा फर्नीचर होने के बाद भी स्पेस काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ पे अपने एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि योगा हो गया, या आपने वो जिम वाली साइकिल भी लगा दी, वो भी यहाँ पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बच्चों को भी एक्टिविटी के लिए काफ़ी स्पेस मिल जाता है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस घर को काफ़ी स्पेशियस और बेहतरीन बनाती हैं। सिर्फ वीडियो में ऐसा नहीं दिख रहा है, आप सामने से आके इसको एक्सपीरियंस कीजिए। इस फ्लैट के रूम साइजेस वाकई में काफ़ी स्पेशियस हैं। अंदर की तरफ आते हैं, ये है इसका अटैच वॉशरूम, और ये है इसका अटैच वॉशरूम। सीपी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इतने ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैंने आपको बोला था हर वॉशरूम में अलग टाइप की टाइल्स मिलेगी, तो नीचे की टाइल्स आपकी सेम है, बट ये आपका टाइल्स जो है, जो टेक्सचर है, ये चेंज हो जाता है, तो आपको सेम और सिमिलर मिलेगा जो आपको घर बन के मिलेगा। अब फाइनली इसके मास्टर बेडरूम को देख लेते हैं। वैसे तो बालकनी का साइज़, किचन का साइज़, दोनों बेडरूम के साइज़ काफ़ी अच्छे हैं, नहीं तो यूजली क्या होता है 10x10 में एक रूम में बिल्डर खेल जाता है। यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छा रूम साइजेस दे के रखा है। तो चलिए अब इसके मास्टर बेडरूम को देख लेते हैं। फोर्टीन बाई 11.6 का आपका मास्टर बेडरूम विथ अटैच वॉशरूम एंड अ सेकेंड बालकनी विथ पैनोरामिक व्यू। पैनोरामिक क्यों? क्योंकि यूजली जब बालकनी इनक्लोज होती है तो आप सिर्फ फ्रंट का व्यू देख सकते हैं, बट इन्होंने दोनों साइड से ओपन रखा है, मतलब आप टोटल 180 डिग्री का व्यू ले सकते हैं। एंड ये ऊपर से कवर्ड रहेगा एज इट इज़। 14x11.6 का ये आपका मास्टर बेडरूम है। 2 फीट का कवर्ड स्पेस, बिग साइज ऑफ बेड, एक्स्ट्रा फर्नीचर्स, वॉल यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, ये इन्होंने एक्स्ट्रा फर्नीचर लगाया है, इतना ऑलमोस्ट 1 फीट का है ये, आधे फीट का है ये, फिर भी स्पेस आप जैसा देख रहे हैं काफ़ी अच्छा है, और टाइल्स की वजह से तो खूबसूरती निखर के आ ही रही है। आइए इसके बालकनी को बाहर से देख लेते हैं। अ ह्यूज साइज ऑफ बालकनी, इस तरफ से इस तरफ काफ़ी अच्छा साइज इन्होंने दे के रखा हुआ है। कवर्ड आपका ऐसे ही रहने वाला है एंड टाइल्स आपकी सेम सिमिलर रहने वाली है, वुडन फिनिश वाली। एंड सबसे खास बात, जब बालकनी की बात करें तो बालकनी में क्या होता है, क्योंकि वो इंक्लोज होता है सब तीनों तरफ से, तो आप सिर्फ फ्रंट का व्यू ले सकते हैं, मगर यहाँ पे आपको ये साइड और वो साइड दोनों ओपन मिलेगा, तो आप पूरा 180 का व्यू का मज़ा ले सकते हैं। आइए अंदर चल के अब इसके मास्टर वॉशरूम को देख लेते हैं। सो एक चीज़ तो है कि सारे के यूजली क्या होता है कि एक वॉशरूम को थोड़ा छोटा कर दिया जाता है, स्पेस फ्रंट डाल दिया जाता है, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे के सारे वॉशरूम सिमिलर साइज के हैं। अगेन वॉशरूम में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बस टाइल्स की मैं बात करूँगा जो हर वॉशरूम में डिफरेंट मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़े डिफरेंट डिज़ाइन के ब्लैकिश टाइल्स दिए हैं जो काफ़ी सुंदर लग रहा है। अगर मैं बात करूँ इस कारपेट की, इस लेआउट की, थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे लिए भी, बट काफ़ी अच्छा है, रूम साइजेस अच्छे निकले हैं। जैसा मैंने आपको बताया था 1104 का कारपेट है, 1120 में सिर्फ लॉबी स्पेस बड़ी हो जाती है, 1054 जो सबसे स्मॉलेस्ट वेरिएंट है उसमें सिर्फ सारे रूम्स के डायमेंशन थोड़े थोड़े कम हो जाते हैं। अगर मेरे ओपिनियन की बात की जाए तो ये कारपेट भी मुझे काफ़ी पसंद आया है, आपको ज़रूर इसको विजिट करके एक बार देखना चाहिए। बाकी काम में ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ कि कितने स्पीड से ऊपर जा चुका है, दिसंबर 24 का पोजीशन है, अगर आप एक साल के अंदर का पोजीशन देख रहे हैं तो इसको ज़रूर विजिट करें। कॉस्ट भी काफ़ी इंप्रेसिव है, 1.4-1.45 CR के आसपास की इसकी कॉस्टिंग है, 1100 कारपेट का यही रेंज यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा इसमें 4 BHK की भी ऑप्शन है जिसका कारपेट अप्रॉक्स 1700 स्क्वायर फीट का है। इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, कुछ गलत लगता है, कुछ डाउट होती है तो कमेंट कर लें, वीडियो में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो हमें कमेंट करके प्लीज़ कमेंट करके सजेस्ट करें। फ्लैट पसंद आता है तो विजिट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर